Who among the following appointed as governor of Chhattisgarh? निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? अनुसुईया यूके, आचार्य देवव्रत, विजय रूपानी और कप्तान सिंह सोलंकी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अनुसुईया यूके को रिसेंटली छत्तीसगढ़ का गवर्नर नियुक्त किया गया है. ठीक है, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं, इन्हें भी रिसेंटली नियुक्त किया गया है. विजय रूपानी गुजरात के सीएम हैं और कप्तान सिंह सोलंकी ये हरियाणा के गवर्नर हैं. ओके, तो अनुसुईया यूके ये है. ठीक है, अनुसुईया सुई छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर. ठीक है, वहाँ कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं? 27. वहाँ की एक्स गवर्नर कौन थी? एक्स गवर्नर थी आनंदीबेन पटेल और वहाँ की सीएम कौन थी? सीएम थी भूपेश बघेल. आरएस सीट्स कितना है वहाँ पे? तो आरएस सीट्स है 5. ओके, और एलएस सीट्स है 11. इन विच सिटी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड टू एक्सेलरेट वेक्टर कंट्रोल मेजर्स. वेक्टर नियंत्रण उपायों से बाहर निकलने के लिए किस शहर में जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? बेंगलोर, मुंबई, जयपुर और न्यू दिल्ली. सो राइट आंसर इज दिल्ली. ओके, दिल्ली में जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है. इसका एम क्या है शुरू करने का? जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होते हैं जैसे मलेरिया, डेंगी या चिकनगुनिया, उन सब से बचाव कैसे करते हैं और उन सब के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ये सारे को के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया. ये कब से कब तक चलेगा दिल्ली में? तो ये 17 से 19 जुलाई तक चलेगा. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू बीजेपी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी चीफ ऑफ उत्तर प्रदेश? किन्हें उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? चंद्रकांत पाटिल, स्वतंत्र देव सिंह, राव साहेब दानवे और मंगल प्रभात लोढ़ा. ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्वतंत्र देव सिंह को रिसेंटली उत्तर प्रदेश बीजेपी का चीफ घोषित किया गया है. ओके, चंद्रकांत पाटिल, इनको महाराष्ट्र बीजेपी महाराष्ट्र यूनिट का चीफ नियुक्त किया गया है. ओके, और मंगल प्रभात लोढ़ा को ये बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई. क्लियर, ऑफ मुंबई तो कहाँ के? उत्तर प्रदेश का बात करते हैं हम लोग. उत्तर प्रदेश ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? वहाँ का कैपिटल है लखनऊ. टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स है. ठीक है, वहाँ का आरएस सीट्स कितना है? आरएस सीट्स है 31, यानी राज्यसभा सीट्स, और लोकसभा सीट्स है 80. वहाँ के गवर्नर कौन है? ये है गवर्नर राम नायक. और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और ये है गवर्नर राम नायक. Who among the following resigns from the IMF? IMF stands for International Monetary Fund. निम्न में से किसे IMF से इस्तीफा दिया है? गीता गोपीनाथ, क्रिस्टीन लगार्डे, उर्सुला वॉन डेर लियन और जेनी क्लॉड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्रिस्टीन लगार्डे ने रिसेंटली रिज़ाइन दिया है. क्यों? रीज़न क्या था रिज़ाइन देने का? क्योंकि ड्यू टू नॉमिनेशन टू बिकम हेड ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB. यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हेड बनने के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया है, इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन दिया है. एंड सी विल बिकम द सेंट्रल बैंक्स फर्स्ट एवर फीमेल लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरो एंड द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द यूरो जोन. ओके, तो ये रही क्रिस्टीन लगार्डे. ठीक है, और किस कहाँ से रिज़ाइन दिए? तो IMF. IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. ओके, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, US.
ये फॉर्म कब हुआ है? तो फॉर्म हुआ ये 27th ऑफ डिसम्बर इन 1945. ओके, इसमें कितने देश टोटल मेंबरशिप में है? तो 189 कंट्रीज टोटल मेंबरशिप में है. सो नेक्स्ट, विजय वीर विंस हिज थर्ड गोल्ड, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट. विजय वीर तीसरा स्वर्ण पदक जीते हैं तो वे किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, शूटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और रेसलिंग. तो वो शूटिंग से रिलेटेड है. ठीक है, ये है विजय वीर, इन्होंने तीसरा गोल्ड मेडल जीता है तो किस चीज़ में? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, दैट इज ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में, जूनियर वर्ल्ड कप के कैटेगरी में. ये वर्ल्ड कप कहाँ चल रहा है? तो ये वर्ल्ड कप सूल जर्मनी में चल रहा है. ये 3 दिन के इवेंट में टोटल इंडिया ने अभी तक 7 गोल्ड 7 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और अभी फिलहाल इंडिया इस इवेंट में टॉप पे चल रहा है. ने टोटल इंडिया ने 3 डेज में 16 मेडल्स जीते हैं और इस इवेंट में सेकेंड नंबर पे है चाइना, जिन्होंने 5 गोल्ड 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्टेड एज द यूरोपियन कमीशन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट. निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं? गीता गोपीनाथ, उर्सुला वॉन डेर लियन, जेनी क्लॉड और क्रिस्टिन लगार्डे. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज उर्सुला वॉन डेर लियन को यूरोपियन कमिश्नर का फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया गया है. ओके, एंड ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर भी हैं करेंटली और इन्हें इलेक्ट किया गया है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन. ठीक है, यूरोपियन कमीशन क्या है? तो यूरोपियन कमीशन इज़ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूरोपियन यूनियन. ये इस्टेब्लिश कब हुआ है? इस्टेब्लिश हुआ है ये 16th of January 1958 में. ओके, और ये रिप्लेस किसको किए, कौन से प्रेसिडेंट को? तो जीन क्लॉड जंकर को ये रिप्लेस की है. तो ये रही उर्सुला वॉन डेर लियन. ओके, Which country slapped sanctions against Myanmar military chief? China, Russia, UAE, that is United Arab Emirates, D, United States. So right answer is option D. United States ने Myanmar military chief के ऊपर sanctions pay किया है. क्यों? उनके ऊपर और 3 और top officers हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कुछ gross human rights का violation किया है और रोहिंग्या मुस्लिम्स का कत्ल किया है, इसीलिए उनको सैंक्शन दिया गया है, स्लैप किया गया है सैंक्शंस, ताकि और यूएस में उनके फैमिली और उनका भी आना जाना वर्जित किया गया है. ठीक है, तो यूएस को देखते हैं हम लोग. यूएस ये रहा मैप में यूएस. ठीक है, यूएस का लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क. ठीक है, यहाँ है न्यूयॉर्क मैप में, ये लार्जेस्ट सिटी है. कैपिटल क्या है? कैपिटल है वॉशिंगटन, ये है यूएस का कैपिटल, वॉशिंगटन डीसी. गवर्नमेंट वहाँ का क्या, कौन है करेंटली? फेडरल प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक. प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे? तो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप एंड वाइस प्रेसिडेंट इज माइक पेंस. वहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है USD, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर. ओके, म्यांमार को बर्मा भी बोला जाता है और म्यांमार का कैपिटल है नैपियेटॉ. रिसेंटली विश्वभूषण हरिचंद has been appointed as governor of which state? विश्वभूषण हरिचंद को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश. सो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश. रिसेंटली विश्वभूषण हरिचंद को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. ठीक है, गुजरात के कौन है? गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत गवर्नर. असम के कौन हैं? असम के हैं जगदीश मुखी गवर्नर. और हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के रिसेंटली ही अभी बने हैं कलराज मिश्रा. ओके, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती. लार्जेस्ट सिटी है वहाँ का विशाखापट्टनम. और आंध्र प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल. ठीक है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी. ठीक है, ये है अभी प्रेजेंट गवर्नर, दैट इज़ विश्वभूषण हरिश्चंद. और इन्होंने रिप्लेस किया है एक्स गवर्नर ऑफ एपी, कौन थे? ESL नरसिम्हा, जो कि एक्स थे. क्लियर,
In which state cabinet committee on economic affairs has been approved a multi-purpose project? किस राज्य में आर्थिक मामलों की राज्य कैबिनेट समिति ने बहुउद्देश्य परियोजना को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश. सो राइट आंसर इज अगेन आंसर इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में मल्टी प्रोजेक्ट बनाने के लिए वहाँ के जो CCE है, दैट इज़ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वहाँ उन लोगों को मंजूरी दे दी गई है. तो 28 उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो 2880 मेगावाट दिबांग. ठीक है, मेगावाट दिबांग. इसमें टोटल 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है. 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट में. एंड इट विल बी द हाईएस्ट डैम इन द कंट्री, जिसका कितना होगा हाइट? 278 मीटर. और इसको बनाने के लिए अप्रॉक्स 9 ईयर्स लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. और इससे स्टेट को फ़ायदा ये हुआ कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो 12% फ्री पावर दिया जाएगा स्टेट्स के नागरिक को. ओके, तो आंध्र प्रदेश मैप में ये रहा. रिसेंटली हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिसाइड कर चुके हैं आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है. तो अमरावती लार्जेस्ट सिटी है वहाँ का, विशाखापट्टनम, जिसमें टोटल आंध्र प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. और वहाँ के प्रेजेंटली कौन है गवर्नर? तो है विश्वभूषण हरीश. हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज एन इंटरनेशनल जज ऑफ द SICC? SICC स्टैंड फॉर सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट. ओके, तो किसे SICC का जज नियुक्त किया गया है? AK सिकड़ी, दलबीर भंडारी, रमेश चंद लाहौती और BD मिश्रा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज AK सिकड़ी. ठीक है, तो फिगर में ये रहे AK सिकड़ी. इनका ये चार्ज कब से लेंगे? तो ये 1 अगस्त से चार्ज लेंगे. और इनका टर्म एक्सपायर कब करेगा? तो इनका टर्म एक्सपायर करेगा 4 जनवरी 2021, दैट इज ओके. SICC मीन्स सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट. ये फॉर्म कब हुआ है? तो SICC फॉर्म हुआ है 5 जनवरी 2015 में. एंड इट इज़ एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंगापुर एंड इट डील्स विद इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट्स. जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं कमर्शियली रिलेटेड, उन सारे को डील करता है. और इस पैनल में टोटल 16 इंटरनेशनल जजेस होते हैं. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोका कोला? किसे कोका कोला कंपनी का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? हर्ष भूटानी, सरविता सेठी, बेबी मौर्य और महेश कुमार. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेट इज सरविता सेठी को रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है कोका कोला कंपनी का. ओके, हर्ष भूटानी ये कोका कोला कंपनी के CFO हैं, डेट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस. ठीक है, तो ये है सरविता सेठी. ठीक है, कोका कोला कंपनी के प्रेसिडेंट और COO कौन है? ब्रायन स्मिथ. और इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इस कंपनी का हेडक्वार्टर है एटलांटा, जॉर्जिया, US. ओके, इन विच सिटी IAF? IAF स्टैंड्स फॉर इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन विल होस्ट 24 आवर्स एशिया एंड ओशिनिया चैम्पियनशिप इन 2020-21. IAF, दैट इज इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन, किस शहर में 2020-21 में 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैम्पियनशिप की मेजबानी करेगा? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ ये बेंगलुरु में होगा. इसका एम क्या है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का? एम है भारत में अल्ट्रा रेस को बूस्टअप करना. ओके, अल्ट्रा रेस क्या है? अल्ट्रा रेस जो है एक डिस्टेंस सेट करके प्लेड किया जाता है, जैसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर उससे लॉन्गर इवेंट्स. और टाइम भी उसमें सेट किया जाता है कि 6 घंटे का होगा या 24 आवर्स का होगा या मल्टी डे इवेंट. ओके, 2018 में ये इवेंट ताइपे में हुआ था और भारत के उल्लास नारायणा ने 250 किलोमीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप? निम्नलिखित में से कितने प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? सोनल मानसिंह, जाकिर हुसैन, जतिन गोस्वामी और के कल्याण सुंदरम पिल्ले. और ऑप्शन डी इज ऑल. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज इन चारों को सिलेक्ट किया गया प्रेस्टिजियस संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप के लिए. ठीक है, सोनल मानसिंह, शी इज़ अ फेमस डांसर. जाकिर हुसैन को तबला प्लेयर है.
ये तबला प्लेयर है, फेमस तबला प्लेयर। जतिन गोस्वामी इज़ डांसर एंड अ फेमस कोरियोग्राफर। और के कल्याण सुंदरम पिल्ले वो भरतनाट्यम के डांसर हैं। ठीक है, तो फिगर ए दैट इज़ ये फिगर जो है ये सोनल मान सिंह का। फिगर ए इज़ सोनल मान सिंह एंड फिगर बी इज जाकिर हुसैन। क्लियर, ये है फिगर सी, ये है जतिन गोस्वामी इज फेमस डांसर एंड कोरियोग्राफर। और ये है के कल्याण सुंदरम पिल्ले, ये भरतनाट्यम से डांस फॉर्म में बहुत ही फेमस है। इस इवेंट में टोटल 44 आर्टिस्ट सिलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम म्यूज़िक, डांस, थिएटर्स, ट्रेडिशनल फोक, ट्राइबल म्यूज़िक, डांस, थिएटर, पपेट्री। इन सारे से रिलेटेड टोटल 44 आर्टिस्ट का सिलेक्शन होता है। और अवार्ड जो है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है द्वारा दिया जाता है। विच कंट्री विल होस्ट ISSF कम्बाइंड वर्ल्ड कप 2020 दैट इज़ 2020। ISSF stands for International Shooting Sports Federation। ठीक है, तो 2020 में कौन सा देश इसका मेजबानी करेगा? ठीक है, रशिया, जर्मनी, इंडिया और चाइना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज़ ये इंडिया करेगा इसका मेजबानी। ठीक है, ये लोगो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का। ठीक है, ये इवेंट कब से कब तक चलेगा 2020 में? तो 15 से 26 मार्च के बीच में ये इवेंट चलेगा न्यू दिल्ली में। और इसमें कैटेगरी क्या क्या होंगे? तो राइफल शॉट शूटिंग, पिस्टल शूटिंग और शॉटगन। ठीक है, ISSF फाउंड कब हुआ है? ये 1907 में फाउंड हुआ है। इसका हेड क्वार्टर है म्यूनिक, जर्मनी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लिसिनस। विच कैंपेन हैज़ वॉन द पाटा? पाटा, पाटा स्टैंड्स फॉर पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड इन 2019। किस अभियान ने पाटा 2019 स्वर्ण पुरस्कार जीता? दस्तक कैंपेन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, प्लांटेशन ड्राइव कैंपेन और फाइंड द इनक्रेडिबल यू कैंपेन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज फाइंड द इनक्रेडिबल यू कैंपेन को पाटा के द्वारा गोल्ड अवार्ड मिला है 2019 में। दस्तक कैंपेन कहाँ चलाया गया? दस्तक कैंपेन यूपी में चलाया गया है। ठीक है, इंसेफिलिटीज से अवेयरनेस जागरूक फैलाने के लिए दस्तक कैंपेन यूपी में चलाया गया। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो होते हैं जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सब का प्रिवेंटिव मेजर और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए दिल्ली में चलाया गया है। ठीक है, और प्लांटेशन ड्राइव कैंपेन ये भी यूपी में प्लांटेशन के लिए चलाया गया है। फाइंड द इनक्रेडिबल यू कैंपेन, ये फोकस एम क्या है इस कैंपेन का? तो ये डिजिटल और सोशल मीडिया पे फोकस करता है, कंट्री के निश टूरिज्म प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना है इसका। ये किस में, किस कैटेगरी में आता है? तो ये मार्केटिंग प्राइमरी गवर्नमेंट डेस्टिनेशन के। और ये किस मिनिस्ट्री में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ट दैट इज प्रहलाद सिंह पटेल। ओके, विच मेडल क्लिंच्ड बाय दीपिका कुमारी एट 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स? ठीक है, तो दीपिका कुमारी ने 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स से कौन सा पदक जीता है? सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज और नन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, ये है दीपिका कुमारी, ये रांची झारखंड से बिलोंग करती है। और शी ऑल्सो वॉन गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 इन दिल्ली। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन गोल्ड इन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल कॉम्पिटिशन एट ISSF? ISSF मीन्स इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में किसने 25 मीटर पिस्टल कॉम्पिटिशन में स्वर्ण पदक जीता? आदर्श सिंह, अग्निया कौशिक, अनीश बनवाला और ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज अनीश बनवाला ने रिसेंटली गोल्ड जीता है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल कॉम्पिटिशन में। ठीक है, ये करनाल हरियाणा से हैं, ये करनाल हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड ही ऑल्सो वॉन कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में जो हुआ ही ऑल्सो वॉन गोल्ड इन इट। In which state two new district will be added? Okay, two new district will be added. किस राज्य में दो नए जिले जोड़े गए हैं? असम, मध्य प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु।
So right answer is Tamil Nadu. Tamil Nadu में पहले total 33 districts थे, अब दो districts add हुआ है और total 35 districts हो गए हैं वहाँ पे. ठीक है, Tamil Nadu. Tamil Nadu का capital क्या है? So capital of Tamil Nadu is Chennai, जिसको मद्रास भी बोलते हैं. तो इंडिया के मैप में ये रहा तमिलनाडु, ये एरिया जो है वो तमिलनाडु है. ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट्स इसमें टोटल कितने हो गए, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए 35. वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित. ये है बनवारी लाल पुरोहित. वहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? करंट चीफ मिनिस्टर है इडापड़ी के पलानी स्वामी. ये है ई के पलानी स्वामी. ठीक है, वहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? वहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है ओ पनीर सेल्वम. क्लियर. अकॉर्डिंग टू बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज BSI, BSI stands for Botanical Survey of India. How many species of orchids are found in India? Botanical Survey of India के तहत भारत में कितने ऑर्किड के कितने प्रजाति पाए गए हैं? 1350, 1256, 612 and 2150. So right answer is option B, that is 1256 species of orchids found किया गया है. सबसे ज़्यादा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया. अरुणाचल प्रदेश में इसके टोटल 612 species पाए गए हैं. सिक्किम में 560, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है, दैट इज़ AP, ये सिक्किम में. ठीक है, और ऑर्किड का स्पीसीज सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कहाँ है, तो वो हिमालय जोन पे है. एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रैंक एट टॉप इन species concentration of orchid and the western ghats have high endemism of orchids. Orchids important क्यों है? तो orchids के जो flower होते हैं वो important होते हैं क्योंकि they are the healer of fever, diabetes, kidneys, lungs, बहुत सारे बीमारी में वो healer का काम करते हैं, वो उनको heal करते हैं. तो ऐसे दिखते हैं orchids figure में, आप लोग देख सकते हैं. Which country become the 76th country to join the International Solar Alliance, that is ISA, International Solar Alliance? Palau, Algeria, Bolivia or Cambodia? So right answer is option A, that is Palau ne sign kiya hai, ISA framework agreement pe sign kiya hai. And Palau kahan hai, to it is a part of Micronesia region in the Western Pacific Ocean with 500 islands. Okay, तो ISA क्या है? ISA जो है वो एक बिग ग्लोबल इनिशिएटिव है एंड इट इज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट. ओके, तो ये फाउंड कब हुआ है ISA? ISA फाउंड हुआ है 2015 में. कहाँ पे? तो पेरिस फ्रांस में. और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम. ट्रैफिक पुलिस ऑफ विच सिटी लॉन्च्ड ई पेमेंट सिस्टम टू ओवरकम करप्शन? दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलोर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ दिल्ली. ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ दिल्ली. एंड इट दिस प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड बाय दिल्ली पुलिस कमिश्नर. तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है प्रेजेंटली? तो वह अमूल्य पटनायक. ठीक है, पर्पज़ क्या है ई पेमेंट लॉन्च करने का? भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए. विच स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जो है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, तो उस स्कीम का नाम क्या है? साइबर क्राइम सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और DNAN. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज द राइट आंसर. ओके, इट वॉज लॉन्च्ड बाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री जी कृष्णा रेड्डी. ओके, कब से कब ये लॉन्च हुआ? तो 2018 से 2020 तक. एम क्या है इसको लॉन्च करने का? टू कॉम्बैट साइबर क्राइम इन इंडिया इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव मैनर. ओके, MHA, दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में. ठीक है, फाउंड कब हुआ है? तो इट इज़ फाउंडेड इन 15th of August 1947. मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल अमित शाह.
Which cricketer was inducted into the International Cricket Council Hall of Fame? International Cricket Council Hall of Fame में किस क्रिकेटर को रिसेंटली अंकित किया गया? वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और एम एस धोनी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सचिन तेंदुलकर को इंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में. ठीक है, एंड ही बिकम द सिक्स्थ इंडियन क्रिकेटर टू ज्वाइन द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स. ठीक है, और इस लिस्ट में और कौन कौन से प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, तो वो हैं बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, राहुल द्रविड़, सुनील गवास्कर, अनिल कुंबले एंड द सिक्स्थ वन इज सचिन तेंदुलकर. ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ है? लॉन्च हुआ है 2 January 2009 इन दुबई एंड लॉन्च्ड बाय ICC इन एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, दैट इज FICA. टोटल इसमें 8 इंडक्टीज हैं और 8 इंडक्टीज में आउट ऑफ वेमेन कितनी है 89 इंडक्टीज में, तो 89 इंडक्टीज में टोटल 8 वेमेन है. ठीक है, एंड इट रिकॉग्नाइजेज द अचीवमेंट ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द क्रिकेट गेम फ्रॉम लॉन्ग एंड इलस्ट्रियस ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया? आनंदी बेन पटेल, लालजी टंडन, फागू चौहान और जगदीप धनखड़. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आनंदी बेन पटेल को रिसेंटली उत्तर प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है. ये पहले कहाँ की गवर्नर थी? तो ये पहले मध्य प्रदेश की गवर्नर थी. ठीक है, लालजी टंडन ये बिहार के गवर्नर थे, इससे अब कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसे मध्य प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है. फागू चौहान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया है. ठीक है, और जगदीप धनखड़ इन्हें वेस्ट बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है. ठीक है, और वेस्ट बंगाल के एक्स गवर्नर कौन थे? तो एक्स गवर्नर थे केसरी नाथ त्रिपाठी बंगाल के. ठीक है, तो ये आनंदी बेन पटेल फिगर वन, ये कहाँ की गवर्नर बनी है? तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी है. कहाँ की थी एक्स गवर्नर? तो ये MP की एक्स थी, एक्स गवर्नर ऑफ MP दैट इज़ मध्य प्रदेश. ये लालजी टंडन, ये प्रेजेंट गवर्नर अभी बने हैं मध्य प्रदेश के, और एक्स गवर्नर थे बिहार के. ओके, ये है फागू चौहान, ये प्रेजेंटली बिहार के गवर्नर बने हैं. ये जगदीप धनखड़ ये वेस्ट बंगाल के बने हैं गवर्नर. ठीक है, अभी इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंटरैक्टिव असिस्टेंट एंड इट इज़ लॉन्च्ड बाय विच बैंक? एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कर्नाटका बैंक और आंध्रा बैंक. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ आंध्रा बैंक ने ये लॉन्च किया है. कहाँ? तो हैदराबाद तेलंगाना में. एंड इट यूजेस न्यू एज टेक्नोलॉजीज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर क्वेरी. आंध्रा बैंक का बात करें तो ये आंध्रा बैंक का लोगो है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर है हैदराबाद. फाउंड कब हुआ है? फाउंड हुआ है 20 नवंबर 1923. ठीक है, MD और CEO कौन है इसके? तो जे पकड़ी सी एम ई. ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद किसका कैपिटल है? तो हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल है. टोटल उसमें 33 डिस्ट्रिक्ट हैं और वहाँ के गवर्नर कौन है प्रेजेंट? प्रेजेंट गवर्नर है ESL नरसिम्हा. और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो के चंद्रशेखर राव. विच कंट्री हैज साइन एन अग्रीमेंट विद इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड? किस देश ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और नन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज श्रीलंका ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है. कितने का अग्रीमेंट है टोटल? तो ये $91.26 million का अग्रीमेंट है, साइन हुआ है कि 130 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के अपग्रेडेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट हुआ है. तो कहाँ से कहाँ पे ये अग्रीमेंट लागू होगा? रेलवे अपग्रेडेशन कहाँ से कहाँ होगा? तो कोलंबो और जाफना श्रीलंका में. इरकॉन लिमिटेड कंपनी, उसके MD और चेयरमैन कौन है? सुनील कुमार चौधरी. ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका हेरा मैप में श्रीलंका. वहाँ का कैपिटल क्या है? तो वहाँ का कैपिटल है श्री जयवर्धने पूरा कोटे और कोलंबे. करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी. वहाँ के PM कौन है? प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमे सिंह. इन विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू ब्रिज प्रोजेक्ट विल बी इनऑग्यूरेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह? यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में किस दो जिले में ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा? कथुआ एंड किश्तवाड़.
Rajouri and Sambha, Sambha and Kathua, or and D, Rajouri and Kathua. So right answer is option C, that is Sambha or Kathua mein bridge project ka udghatan kiya gaya hai by Union Minister Rajnath Singh. Purpose kya hai? For significant border point of view as well as connectivity for locals. Clear? Tuberculosis will be eradicated from India by 2025, 2030, 2027 or 2023. So, right answer is option A, that is 2025. PM Modi ke saath saath India, matlab jo abhi present government hai, unhone fix kiya ek deadline for eradication of TB against the global deadline of TB. Global deadline hai, eradicate karne ke liye 230 aur India mein ye kitne hai 2025 tak TB ko eradicate karna ka कोशिश किया जाएगा. मेन एम क्या है? मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इरेडिकेट द डिजीज़. ओके, टीबी. टीबी होता किससे? तो बैक्टीरिया से. कौन से बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट मेनली अफेक्ट द लंग्स. लंग्स पे ये अफेक्ट करता है, ठीक है. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिटेबल होते हैं थ्रू टाइनी ड्रॉपलेट्स रिलीज इन द एयर वाया कप्स और स्नीजेस. बूथ चलो अभियान अंडर मेंबरशिप कैंपेन इज कैरिंग आउट इन विच स्टेट? त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश में जो मेंबरशिप अभियान चलाया गया था उसके अंदर बूथ चलो अभियान इनॉग्यूरेट किया गया है. किसके द्वारा? तो जो न्यूली इलेक्ट हुए बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह, उनके द्वारा, ठीक है. ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो लखनऊ. चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ. और रिसेंटली वहाँ का अभी गवर्नर कौन बनी है? गवर्नर बनी है आनंदी बेन पटेल. रमेश बैस इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट? रमेश बैस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? असम, त्रिपुरा, नागालैंड और तमिलनाडु. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ रमेश बैस को रिसेंटली त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है. नागालैंड का भी रिसेंटली गवर्नर चेंज हुआ है और वहाँ के गवर्नर बने आर एन रवि. ओके, आर एन रवि इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ नागालैंड. ओके, ये हैं रमेश बैस जिन्हें त्रिपुरा का गवर्नर नियुक्त किया गया. कैपिटल क्या है त्रिपुरा का? कैपिटल है अगरतला. टोटल उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ के सीएम कौन है? सीएम है बिलाप कुमार देव. और राम बैस ने रिप्लेस किसको किया है वहाँ, मतलब वहाँ के एक्स गवर्नर कौन थे? तो एक्स गवर्नर थे कप्तान सिंह सोलंकी. देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट गेट्स इंटरनेशनल स्टेटस. सिचुएटेड इन विच सिटी? देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है, तो वो किस शहर में है? जयपुर, इंदौर, न्यू दिल्ली और डी कटक. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ इंदौर. ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इंदौर. तो पहला इंटरनेशनल फ्लाइट मध्य प्रदेश से इंदौर के लिए चलाया गया है, तो इंदौर से दुबई पहला इंटरनेशनल फ्लाइट है. एंड सुनील कुमार भार्गवा वॉज द कमांडर ऑफ दिस मेडन इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम हिज होम सिटी. इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट सिटी है. क्लियर? मध्य प्रदेश इंडिया के मैप में यहाँ है. मध्य प्रदेश का कैपिटल इट इज़ भोपाल. वहाँ का गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, ये गवर्नर है. और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ. नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फ्लैग्ड ऑफ CRPF साइकिल रैली? CRPF स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. तो ASM मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और डी गुजरात. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ गुजरात के मुख्यमंत्री ने साइकिल रैली का घोषणा किया है. क्यों? ताकि 81st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने के लिए CRPF का, ठीक है. CRPF फाउंड कब हुआ था? तो ये फाउंड हुआ था 27th July 1939 में, ठीक है. अब गुजरात की बात करें तो गुजरात मैप में इस एरिया पे पड़ता है, ये रेड वाले मार्क पे. क्लियर? गुजरात का कैपिटल, गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर. वहाँ के सीएम कौन है? ये हैं सीएम वहाँ के विजय रूपानी. वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है ये आचार्य देवव्रत. ये रिसेंटली ही गवर्नर चुने गए हैं, इसके पहले ओम प्रकाश कोहली थे, दैट इज़ OP कोहली. हाउ मेनी मेडल्स वॉन बाय इंडिया एंड ISSF जूनियर वर्ल्ड कप? ओके, तो ISSF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप. तो कितने इस इवेंट में टोटल
भारत ने कितने पदक जीते हैं? 4, 3, 5 और 6. सो राइट आंसर इज 3. टोटल 3 यानी 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर. ठीक है, तो एवनील वैलरी, ये जो एवनील वैलरी ने ये गोल्ड मेडल जीती है शूटिंग में, और ये मेहुली घोष ये सिल्वर मेडल जीती है. क्लियर. और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है और ये हुगली से. और ये इवेंट हो कहाँ रहा है? तो ये इवेंट हो रहा है जर्मनी में. जर्मनी इज़ अ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जिसका कैपिटल है बर्लिन. और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो वहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर. हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्स फर्स्ट इन ATP रैंकिंग्स ऑफ टेनिस? ATP स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल. ठीक है, तो उस ATP रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सा टेनिस प्लेयर वर्ल्ड का नंबर वन टेनिस प्लेयर है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक और डी थीम. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविक को पहला स्थान मिला है. ठीक है, सेकेंड पे है राफेल नडाल, सेकेंड पे है राफेल नडाल और थर्ड पे है रोजर फेडरर. क्लियर, और फोर्थ है ये डी थीम. सो ये है राफेल नडाल, सॉरी ये है नोवाक जो जिनको फर्स्ट रैंक मिला है, ये है राफेल नडाल जिनको सेकेंड रैंक मिला है, ये है रोजर फेडरर जो थर्ड पोजीशन पे है, और ये ए जेवरफ ये फिफ्थ पोजीशन पे हैं. ठीक है, RBI इम्पोज फाइन ऑन विच टू बैंक्स? RBI ने किन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया? RBI स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो कौन से बैंक पे RBI ने जुर्माना लगाया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बोथ ANB. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ANB, दोनों पे ही लगाया है. ठीक है, तो स्टेट बैंक पे क्यों लगाया गया है? स्टेट बैंक में कुछ रूल रेगुलेशंस वायलेट करने के लिए लगाया गया है, और स्टेट बैंक पे टोटल 7 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. IRAC दैट इज़ इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन के में कुछ रूल रेगुलेशन वायलेट हुआ है, और कुछ CRILC दैट इज़ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, इन दोनों में SBI ने कुछ रूल रेगुलेशन का वायलेशन किया है इसीलिए. और यूनियन बैंक को क्यों लगाया गया है? यूनियन बैंक को साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है. अब RBI का बात करें तो RBI ये इंडिया का सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र. क्लियर, स्टैब्लिश ये कब हुआ? तो स्टैब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 में, और ये उसके गवर्नर शक्तिकांत दास. हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द इंडियन कैंपेन वॉन द इंडियन कैंपेन वॉन द इंडियन कैंपेन एंड इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बिगनिंग? सायना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणय और PV सिंधु. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज PV सिंधु. ये इवेंट कहाँ हो रहा था? तो ये इवेंट जकार्ता में हो रहा है. जकार्ता किसका कैपिटल है? तो इंडोनेशिया का कैपिटल है. इंडोनेशिया मैप में इस रीजन में है, हम लोग देख सकते हैं. वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? वहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, ये है जोको विडोडो. वाइस प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? तो वाइस प्रेसिडेंट है यूसुफ काला. करेंसी का है वहाँ के? तो करेंसी है इंडोनेशियन रुपया. विच बॉलीवुड सेलिब्रिटी विल बी ऑनर्ड विद ऑनररी डॉक्टरेट एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न? किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को मेलबॉर्न में फिल्म समारोह में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो आमिर खान, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज शाहरुख खान को सम्मानित किया जाएगा. शाहरुख खान ये रहे फिगर में. तो सम्मानित क्यों किया जाएगा? बिकॉज हिज एफर्ट्स टू सपोर्ट अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन, हिज अनवेवरिंग डेडिकेशन टू द फाइट फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू मिया फाउंडेशन एंड हिज अनपैरेलल्ड अचीवमेंट इन द इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. क्लियर, मेलबॉर्न कहाँ है? तो मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज USA क्रिकेटर्स टीम एंटरिम कोच? निम्न में से किसे USA क्रिकेट टीम एंटरिम कोच के लिए नियुक्त किया गया है? किरण मोरे, पुबुदू दसानायक, सुनील जोशी और प्रवीण आमरे. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज किरण मोरे को नियुक्त किया गया है. रिप्लेस किया है किससे? तो रिप्लेस किया है इन्होंने पुबुदू दशानायक को. ओके,
तो ये रहे किरण मोरे, जिन्हें यूएसए क्रिकेट टीम का एंट्रीम कोच शामिल किया गया है वो ये है। ये सुनील जोशी, सुनील जोशी को स्पिन बॉलिंग एडवाइज़र चूज़ किया गया है, और प्रवीण आमरे और केरन पावेल को, दोनों को एडवाइसेस फॉर बैटिंग डिपार्टमेंट के लिए चूज़ किया गया है। क्लियर। चंद्रकांत कावेलकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। चंद्रकांत कावेलकर को किस राज्य का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा और असम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेट इज़ गोवा का से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चूज़ किया गया है। पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी से बिलोंग करते थे, 11 जुलाई को उन्होंने INC छोड़ के BJP ज्वाइन किया है। सो करेंटली ये BJP से बिलोंग करते हैं। ओके तो कहाँ के बने हैं, गोवा। गोवा कहाँ मैप में, ये रहा इंडिया के मैप में गोवा, ये रहा वहाँ का कैपिटल। क्या है गोवा का, गोवा का कैपिटल है पणजी। गोवा की गवर्नर कौन है, गोवा की गवर्नर है मृदुला सिन्हा, ये है मृदुला सिन्हा। और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, ये है प्रमोद सावंत। गोवा में RS सीट्स कितना है, डेट इज़ राज्यसभा सीट्स, तो राज्यसभा सीट्स है 1, और लोकसभा सीट्स है 2। क्लियर। हैज़ बीन बैग्ड विथ ऑनररी फेलोशिप ऑफ रॉयल चैलेंज ऑफ सर्जन्स ऑफ थाईलैंड, पी रघुराम, बी रघुबीर राम, सी अरविंद कुमार और डी नन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ पी रघुराम को ये FRCS अवार्ड मिला है, दैट इज़ फेलोशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन। ठीक है, तो ये पी रघुराम है, ये एक ब्रेस्ट सर्जन है और ये पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। 44th एनुअल कांग्रेस ऑफ द रॉयल कॉलेज इन पटाया में ये इवेंट हुआ है, और थीम क्या था इस इवेंट का, तो इस इवेंट का थीम था एशियन कोलैबोरेशन इन वैल्यू बेस्ड सर्जरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, AIIB प्रोवाइड्स लोन टू L&T, दैट इज लार्सन एंड टर्बो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। तो कितने का लोन AIIB ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया है, 70 मिलियन, 100 मिलियन, 80 मिलियन और 85 मिलियन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 100 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, एम क्या है लोन देने का, विंड और सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोन दिया गया है, और AIIB ने फर्स्ट टाइम एक NBFC कंपनी को लोन दिया, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को, एंड द प्रोजेक्ट मेनली हेल्प टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। ओके तो AIIB का बात करें, AIIB स्टैंड्स फॉर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके तो ये क्या है, इसका एम क्या होता है इस बैंक का, इट्स एम टू सपोर्ट द बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एशिया पैसिफिक रीजन। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका बेजिंग चाइना। फॉर्म कब हुआ है, तो 16th of January 2016 में ये फॉर्म हुआ है। अब L&T का बात करें, तो L&T स्टैंड्स फॉर लार्सन एंड टब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, फाउंडर्स कौन है इसके, तो फाउंडर्स है ये हेनिंग हॉल्क लार्सन और ये है सॉरेन क्रिस्टियन टब्रो, ये दोनों इनके फाउंडर्स रह चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर मीडिया फ्रीडम हेल्ड इन विच कंट्री, कैनेडा, रशिया, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम में ये फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर मीडिया फ्रीडम इवेंट हुआ है, एंड इट इज़ होस्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज कैनेडा। कब हुआ ये इवेंट, तो ये 10th of July में ये इवेंट हुआ है 2019 इन लंदन, UK। अब UK स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम, ये रहा यूनाइटेड किंगडम मैप में। यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल क्या है, तो लंदन। करेंसी क्या है वहाँ की, पाउंड स्टेरिंग। प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है थ्रेसा मे। वहाँ का गवर्नमेंट कैसा है, वहाँ का गवर्नमेंट है यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और मोनार्क है एलिजाबेथ टू एंड प्राइम मिनिस्टर इज थ्रेसा मे। कैनेडा, कैनेडा का बात करें, तो कैनेडा का कैपिटल है ओटावा और वहाँ की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। सो अगर ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।